दिल में मेरे कुछ सपने बस वही हैं अपने, और मैं करूंगा उन्हें पूरा, ये मुझे विश्वास है। आसान है, आसान है भैया, मैं था आसान है। नमस्कार साथियों, मैं राजकुमार यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार पीवीआर स्टडी में। क्लास 10th की मैथमेटिक्स शुरू हो चुकी है, एक्सरसाइज 13.2 चल रहा है बच्चा पार्टी, और पढ़ेंगे क्या क्वेश्चन नंबर 5। फटाफट क्लास को शेयर करिए, 50+ करिए, और तुरंत हम आपकी क्लास को शुरू करते हैं बिल्कुल बिना समय गंवाए, कम समय में ज्यादा क्वेश्चन कराने की आज पूरी गारंटी। चलिए टाइम शेड्यूल देख लीजिए एक नजर में, जल्दी देखिए, फटाफट देखिए क्लास कब चलती है, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5वां इसको आप लोग कर लीजिएगा क्योंकि ये होमवर्क है आप लोगों के लिए। अच्छा, मैं पढ़ाया हूँ, होमवर्क नहीं है, अभी भी पढ़ाया हूँ ना। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है। ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार व्यास 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर का एक अन्य बेलन आरोपित है से लोहे का स्तंभ बना है, तो इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, मतलब मास फाइंड कीजिए, जबकि दिया है 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान, यानी मास ऑफ आयरन लगभग अप्रोक्सीमेट 8 ग्राम होता है, पाई की वैल्यू भी दिया है। पहले फिगर बना लीजिए, फिगर में कैसे कह रहा भैया, फिगर बहुत आसान है। कह रहा कि एक बेलन है, पहले नीचे रखा है, नीचे के ऊपर एक बेलन उसके ऊपर बैठा है, मतलब जैसे देखे वो क्या बोलते हैं, नारियल के ऊपर नारियल। तो मैं इधर साइड में फिगर बनाऊंगा तो मुझे लगता है ज्यादा बढ़िया रहेगा, तो इधर साइड में चाचा लोग बना लो भैया, एक ठी बाबू बना लो, एक ठी बेलना बना लो, ये रोटी बेलने वाला थोड़ा मोटंगर बनाना है इसको, इसके ऊपर बैठाओगे एक ठी छोटा सा इसका बच्चा, ये मतलब समझना, ये बड़े वाले बेलन की जो ऊंचाई है बाबू वो 220 सेंटीमीटर है ऐसा कहा गया है, ओके। और आगे क्या कहता है, आधार का व्यास 24 सेंटीमीटर है, ये जो डायमीटर है वो 24 सेंटीमीटर है, ये दिया गया है, इसे आपको याद रखना है। तो चाचा यहाँ पे रेडियस क्या हो जाएगा बाबू, ये रेडियस 12 सेंटीमीटर हो जाएगा क्योंकि व्यास का आधा होता है। ऊपर वाले में क्या कह रहा है, जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक अन्य बेलन आरोपित है, मतलब इसकी ऊंचाई कितना है, कितना है वो 60 है ना, इसकी 60 सेंटीमीटर है चाचा, और इसका जो ये त्रिज्या है रेडियस दिया डायरेक्टली वो 8 सेंटीमीटर दिया है, क्या और कुछ दिया है नहीं ना, इतना ही दिया है, इतना ही लेकर के हम मारेंगे धुआं धुआं हो जाएगा, काहे को दिक्कत लेते हो। चलो पूछा क्या है, द्रव्यमान पूछा है ना, निकाल लो बड़ा प्यार से निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। चलो क्या लिखोगे, लिखो पहले दिया है, यहाँ पे लिख लो ऊपर साइड में गिबन, इंग्लिश में लिखेंगे गिबन, हिंदी वाले लिखेंगे दिया है। मैं क्वेश्चन को इंग्लिश में भी पढ़ देता हूँ, काहे को देर करना है, रुक जाओ। फिर से सुनिए क्वेश्चन इंग्लिश में। अ सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर ऑफ हाइट 220 सेंटीमीटर एंड बेस डायमीटर 24 सेंटीमीटर विच इज सरमाउंटेड बाई अनदर सिलेंडर ऑफ हाइट 60 सेंटीमीटर एंड रेडियस 8 सेंटीमीटर। फाइंड द मास ऑफ द पोल गिवन दैट 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन हैज अप्रोक्सीमेटली 8 ग्राम मास, यूज पाई इक्वल 3.14। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे, है ना, इंग्लिश में एक बार फिर से पढ़ दूं क्या, नहीं फिर से पीछे करके देख लेना। चलिए जो जो दिया है लिखिए गिवन, देखो बाबू सबसे पहले दोनों सिलेंडर का अलग अलग चीजें लिखोगे, ठीक है, तो यहाँ पे लिखो बड़े वाले, इंग्लिश वाले अपना लिख लेंगे इंग्लिश में, उतने वो समझदार हैं, गिवन बिगर सिलेंडर हाइट इक्वल फलाना रेडियस इक्वल इतना, मैं हिंदी में लिख दे रहा हूँ, ठीक है, लिखो बड़े वाले सिलेंडर की ऊंचाई बराबर 220 सेंटीमीटर, बड़े वाले सिलेंडर का त्रिज्या बराबर 12 सेंटीमीटर, व्यास बराबर 24 सेंटीमीटर, चीजें लिख दी गई हैं ऊपर, आपको सिर्फ और सिर्फ मान रख देना है।
देखो बड़े वाले जो बेलन है यानी जो बड़ा वाला सिलेंडर है आपका नीचे चौड़ा वाला मोटका वाला, इसकी ऊंचाई 220 सेंटीमीटर है, तो इसको मैंने 220 सेंटीमीटर लिख दिया। देखो बेटा ये ऊंचाई को दो बार यूज करना है, तो बड़े वाले के लिए कैपिटल एच, छोटे वाले के लिए हम स्मॉल एच का यूज करेंगे। ओके, व्यास दिया है दो बार अगर है तो मैंने कैपिटल डी और स्मॉल डी का यूज किया है। रेडियस के लिए इसके लिए कैपिटल आर, इसके लिए स्मॉल आर, जिससे कि दोनों में अंतर बना रहे। तो बड़े वाले व्यास का जो व्यास है वो 24 सेंटीमीटर है, देखो डायमीटर, और इसकी रेडियस 12 है, तो ये 24 सेंटीमीटर है और ये 12 सेंटीमीटर है। ठीक है बच्चा, इस तरह से इसकी जो हाइट है बाबू 60 है छोटके वाले की, तो ये 60 सेंटीमीटर, इसका सिर्फ रेडियस दिया है, डायमीटर नहीं दिया। चाहो तो आप लिख लो तो डबल करके रेडियस का, लेकिन कोई जरूरत नहीं है। तो ये 8 सेंटीमीटर जो दिया था मैंने लिख दिया। कह रहा था कि इसका टोटल पूरे का जो जो ये बन रहा है पूरे का आयतन कितना होगा, तो बहुत सिंपल है, दोनों का जोड़ लेंगे अलग अलग। अब मैं कुछ चीजें इरेज करूंगा, दिया है वाला इरेज करूंगा, आप इसे लिख लीजिए, उसके बाद फिर मैं क्वेश्चन पे चलता हूँ। ठीक है, लिख लीजिए चाहे तो। स्तंभ का कुल आयतन बराबर टोटल वॉल्यूम ऑफ आयरन, ऐसे तो पूछा था ना, टोटल वॉल्यूम ऑफ आयरन लिख लो इंग्लिश में, वॉल्यूम ऑफ बिगर सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर सिलेंडर, या हिंदी में लिख लो बड़े वाले सिलेंडर यानी बड़े वाले बेलन का आयतन प्लस छोटे वाले बेलन का आयतन। जल्दी इसको उतारो फिर ऊपर लिखो, बहुत जल्दी करो, मैं हट गया। चलो फार्मूला लगा दीजिए, दोनों चीजें लिख दी गई हैं, फटाफट देखो जो लिखना था मैंने लिख दिया। अब इसको थोड़ा इधर करके लिखेंगे, फार्मूला वही होगा दोनों के लिए, पाई आर स्क्वायर एच, क्यों एक ही तो होगा ना, तो पाई आर स्क्वायर, इसमें कैपिटल एच यूज करेंगे, दूसरे के लिए पाई आर स्क्वायर स्मॉल एच। साथ ही मेरे इसमें आप कॉमन ले सकते हो कुछ, देखो कॉमन क्या हो जाएगा, इसमें हमें लगता है सिर्फ और सिर्फ पाई कॉमन हो जाएगा, एच भी कॉमन हो जाता, लेकिन एच दोनों अलग अलग प्रकार के हैं इसलिए इसमें एच कॉमन नहीं होगा, तो पाई कॉमन ले सकते हो, आर स्क्वायर कैपिटल एच प्लस, और आर भी तो कॉमन हो जाएगा ना यार, क्यों पाई आर स्क्वायर कॉमन हो जाएगा कि नहीं, नहीं होगा। एक मिनट, इसमें आर भी आप कैपिटल में यूज करोगे क्योंकि दोनों का अलग अलग मान रखना है ना, तो आर स्क्वायर और ये भी आर स्क्वायर एच, ये सारे मान आपको रख देने हैं, बस आपका आंसर आपके सामने दौड़ता हुआ आ जाएगा। सरपट क्वेश्चन को स्क्रीन से हटा दीजिए, आइए इसको थोड़ा पीछे खींचूं, नहीं जाने दीजिए। पाई का मान देखिए इस क्वेश्चन में 3.14 समथिंग दिया है, तो ये आप रख दीजिए इनटू कैपिटल आर, अभी जो रेडियस आया था आपने देखा था कितना आया था भाई, 12.12 आया था ना, क्योंकि 24 था पूरा डायमीटर, तो ये हो जाएगा आपका 12 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा, इसे कैपिटल बड़ा वाला ब्रैकेट कर लीजिए, ये 12 का स्क्वायर। एच मतलब हाइट, हाइट कौन से वाले की, बड़े वाले बेलन की हाइट 220 थी ना, तो 220 प्लस आर, छोटके वाले का रेडियस कितना था 8 दिया था ना, और छोटके वाले बेलन की हाइट कितना थी बाबू 60 दिया था, यही दिया था कुछ और था, यही था। अब इसको बंद कर दीजिए, आइए नीचे आइए, 3.14 ये 12 जा 144 और इंटू 220 प्लस ये 64 इंटू 60, इसमें कोई डाउट नहीं, एनी डाउट नहीं, कोई डाउट नहीं। अब आप एक काम कर सकते हो, 3.14 इनका आप मल्टीपल करोगे तो 31,000 समथिंग आएगा, करके देखो 31,600 कुछ आएगा, कितना 50 के लगभग आएगा, 80, 31,680 आएगा, और प्लस इसका करोगे देखो एक जीरो उतार लो, 6 चौक 24 के 4 हासिल आया, 2 6 छक 36 2 38, क्यों यही आएगा ना, यानी ये 38 40। अब क्या करेंगे भाई, कुछ छूट तो नहीं रहा कहीं, नहीं छूट रहा ना कहीं, कुछ नहीं छूट रहा है, यू डोंट वरी। चलो इसको लिखो 3.14, थोड़ा सा मुझे लगता है चमक नीचे बहुत कम है, क्या ब्राइटनेस बहुत कम दिख रही है क्या,
दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं, दिख रहा है ना, पूरा दिख रहा है। चलो इनको दोनों को जोड़ेंगे बाबू, 31,000 है ये, 3,000 है, 31 × 3 = 34, 800 ये है, 600 ये है, तो 35,000 समथिंग आएगा, यानी 35,520 ये आएगा। इसमें 3.10 लगा है, जोड़ घटाना गुणा भाग आपको अच्छे से आता है, इसको कर लो तो इतना आएगा, कितना 0.8 ये सेंटीमीटर क्यूब। मल्टीपल करना आपको आता है, इसमें कोई डाउट नहीं किसी को, ये सेंटीमीटर क्यूब आया, क्या आया, निकालना क्या था, कुल आयतन ना, लेकिन आयतन निकालना किसमें था, सेंटीमीटर में निकालना था क्या, आंसर में देखो मीटर क्यूब दिया होगा, देखो तो मीटर क्यूब या जो भी दिया है वो बात अलग है, फिलहाल अभी अभी तो वहां पहुंचे नहीं, ग्राम में निकालना हमें, सेंटीमीटर में नहीं निकालना है। क्वेश्चन में हमें दिया है कि 1 cm³ का जो मान है वो 8 ग्राम के लगभग है, एक बार क्वेश्चन स्क्रीन पे देख लो, 1 cm³ जो है वो 8 ग्राम के लगभग है। नीचे देखो लिखा है 1 cm लोहे का द्रव्यमान 8 ग्राम के लगभग होता है, तो इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। ऊपर आप लिखो, चूंकि इतना करने के बाद यहाँ लाके लिखो, यहाँ पे लिखो चूंकि 1 cm³ इक्वल 8 ग्राम, इसलिए इसलिए वो पूरा पूरा नंबर लिख लो जो भी आया है, ये सेंटीमीटर क्यूब इक्वल क्या करोगे, 8 से इसको गुणा कर दोगे बाबू, ठीक है, पूरे को 8 से आप इसको पूरे को मल्टीपल कर दोगे, इसको चाहे एक साइड में कर लो, तो 8 × यहाँ पे जगह है, लिख लो 11532.8, देखो यहाँ मैं बहुत छोटा लिख रहा हूँ, समझने की कोशिश करना, 111 तीन बार, 532.8, ये मल्टीपल करोगे बाबू, थोड़ा इधर साइड में कर लो क्योंकि उधर जगह कम पड़ रही है, तो 892.264 आएगा ऐसे, और पॉइंट का आपका 4 आएगा समथिंग, ये ग्राम, लेकिन जो हमें निकालना है वो केजी में निकालना है, काहे को, क्योंकि स्टैंडर्ड मात्रक होता है, उसमें पूछा भी गया है ना, तो हमें पता है, आप सबको पता है, क्या पता है बबुआ, वो ये पता है कि 1000 ग्राम बराबर 1 kg होता है, क्यों भाई, अरे 1 किलो में 1000 ग्राम होता है, तो 1000 ग्राम में 1 kg होता है, वही ना, तो यहाँ पे लिख लो, इसलिए डिटेल में थोड़ा हो जा रहा है, 892.264.4 ग्राम इक्वल कितना हो जाएगा, इसको टोटल को 1000 से भाग दे दोगे तो बाबू ये हो जाएगा आपका 892.264/4/1000, 3 अंक पर दशमलव इधर खिसक जाएगा, तो आपका ये हो जाएगा 892.264 समथिंग केजी आ जाएगा, ठीक है, ये देखो लगभग में आ रहा है, अप्रोक्सीमेट याद रखना, किसी किसी में यहाँ पर 246 या 262 कुछ भी समथिंग आया होगा, इसके पीछे नहीं पढ़ना, ठीक है। तो बच्चों ये क्वेश्चन आपका डन हुआ, इसमें किसी को कोई डाउट है तो बता दो, मैं सामने से हट गया, फट से स्क्रीनशॉट ले लो, आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, एनी डाउट, नहीं किसी को कुछ पूछना है तो जल्दी से पूछ लो, फटाफट आगे बढ़े, बहुत जल्दी करिए, आगे बढ़ते हैं, चलिए डन। आप अगले क्वेश्चन में खो जाएं कि उसके पहले स्क्रीन पर दिया गया मैसेज ध्यान से पढ़ें, आपके बहुत काम का है बच्चों। आने वाली 25 जून से, अगर आप 25 जून के पहले इस क्लास को देख रहे हो तो आपकी सारी क्लासें 9th और 10th की जो है वो PVR स्टडी 3.0 चैनल पर चलेंगी। अगर आप इस क्लास को कहीं दूसरे चैनल पर देख रहे हो, क्योंकि PVR स्टडी इलाहाबाद चैनल पर अधिकांश क्लासें होती थी पहले, ठीक है, तो याद रखिएगा इस चैनल को अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया तो। स्क्रीन पर देखिए ध्यान से क्या लिखा नीचे मोटा मोटा। हेलो बच्चों, आप लोग ज्यादा बड़ी क्लास देखते नहीं हो, मुझे पता है ना, इसलिए मैं बहुत बड़ी क्लास नहीं कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 स्क्रीन पर ध्यान से देख लीजिए, इसको मैं करवाऊंगा बस अगली क्लास में, कमेंट करके बताइए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, अगर 2-4-6 हज़ार बच्चे देखें तो मैं रोज 1-1 घंटे पढ़ा दूं, लेकिन आप लोग मुझे नहीं लगता रिस्पॉन्स देते हैं उतना। निवेदन है आप लोगों से, विनम्र निवेदन है, अपने साथियों को शेयर करो, सबको लेके आओ, PVR स्टडी के बारे में सबको बताओ, बिल्कुल फ्री पढ़ाया जाता है। क्लास का टाइम स्क्रीन पर देख लो, सारी फ्री क्लास का टाइम स्क्रीन पर आपको दिया गया है, आप इसे देख लीजिए, 4 क्लासें इस समय यूट्यूब पे फ्री चल रही हैं, आप इसमें आइए पढ़िए सीखिए, दिख रहा है ना, देखिए सीखिए आइए।